हेलो एवरीवन, क्लास 5 का समर हॉलिडे होमवर्क आपको कैसे करना है इस वीडियो में जानेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखें, इसमें आपको अपने फैमिली मेंबर्स की फोटोज पेस्ट करनी है और उनका नाम लिखना है। तो जैसे आपने ये फोटो पेस्ट कर ली अपने फैमिली मेंबर्स की, ठीक है, पहले अपनी लगाएंगे, फिर अपने पापा की या मम्मी की लगा सकते हैं, ठीक है। सो जैसे आपने यहाँ पे अपने पापा की लगाई, ठीक है, तो यहाँ पे अपना अपने पापा का नाम आप लिख लोगे, ठीक है, फादर्स नेम। अब उनके बारे में आपको बताना है कुछ बातें, जैसे कि वो कौन है, तो वो आपके पापा हैं, व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं, हो सकता है कि वो किसी ऑफिस में काम करते हों या वो बिजनेसमैन हो, तो आप डिटेल में ये सारी बातें लिख सकते हो। यहाँ पे अपने पेरेंट्स के बारे में लिखेंगे, अपने दादा दादी के बारे में लिखेंगे, अपने भाई बहन के बारे में लिखेंगे, और भी अगर मेंबर्स हैं तो उन सब के बारे में आप लिखेंगे। सबके बारे में कम से कम 5 लाइन लिखनी है, ठीक है। सो 1, 2 एंड 3 ऐसे करके आपको 5 लाइन्स लिखना है। नेक्स्ट, आपको हिंदी में काम करना है। यहाँ पे आपको विद्यालय, पुस्तक, परिवार, खेल और यात्रा से 5 शब्द दिए हुए हैं। इन 5 शब्दों का इस्तेमाल करके आपको एक छोटी सी कहानी बनानी है। कहानी कितनी लंबी होनी चाहिए, तो 15 पंक्तियों की होनी चाहिए, 15 लाइंस की, ठीक है। 1, 2 ऐसे करते हुए आपको 15 लाइंस की बनानी है। तो एक कहानी बना लेंगे आप, लेकिन ध्यान रहे कि ये शब्द छूटने नहीं चाहिए, उस कहानी में ये शब्द होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक त्यौहार का वर्णन करें। त्यौहार का वर्णन करना है, जैसे आप दिवाली ले लीजिए, तो दिवाली में, दीपावली में आप क्या करते हो, ये दिन क्यों खास होता है, उससे जुड़ी क्या कथा है, ये सब बातें आप लिखेंगे 10 पंक्तियां, और ये बताएंगे कि दिवाली कैसे मनाते हैं चित्र बनाकर, ठीक है। तो 2 पिक्चर्स भी आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो, इसका वर्णन करना है, यानी कि बताना है आपको अच्छी तरह से कि बड़े होकर के आप क्या बनना चाहते हो। आप बड़े होकर के, हो सकता है डांसर बनना चाहते हो, या डॉक्टर बनना चाहते हो, या पायलट बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो आप उस पर 5 वाक्य लिखेंगे और अपने आप को इमेजिन करेंगे कि आप वो बन गए हैं, ठीक है। साथ में उसकी एक चित्र भी बनानी है, तो ये कल्पना आपको अच्छे से करनी है कि आप कैसे दिखोगे, ताकि आप उसकी अच्छी पिक्चर बना सको। थर्ड क्वेश्चन इज, आपको 3 सेंटेंसेस बनाना है इन सभी वर्ड्स के साथ, ठीक है। सो बॉटल है, तो बॉटल से आपको सिर्फ एक सेंटेंस बनाने से काम नहीं होगा, आपको 2, 3 टोटल 3 क्वेश्चंस आपको बनाना है प्रत्येक से। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि बॉटल से आप कैसे बना सकते हो। बॉटल के बारे में आप लिख सकते हो कि आई ऑलवेज कैरी वाटर बॉटल टू द स्कूल, यानी मैं हर रोज या हमेशा पानी की बॉटल लेकर के जाता हूँ स्कूल। तो ये एक लाइन मानी जाएगी, एक सेंटेंस माना जाएगा। आपको ऐसे 2 और सेंटेंसेस बनाने होंगे प्रत्येक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको अपने पसंद के किसी कैरेक्टर को ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल डोरेमोन, तो डोरेमोन कैसा दिखता है आप पिक्चर उसकी ले सकते हो, ठीक है, और उसको ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। इस प्रकार से डोरेमोन की पिक्चर आप ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद उसको आप अच्छे से अपने स्क्रैप बुक पे चिपकाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है, आप उसके बारे में जो चाहें बता सकते हो, उसकी स्पेशलिटी क्या है, आपको वो क्यों पसंद है, इस तरह की बातें आपको उसमें बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रॉ एंड कलर कार। तो जैसे आप डोरेमोन बनाओगे या अपने पसंद का कोई भी कैरेक्टर बनाओगे, वैसे ही आपको इस क्वेश्चन में एक कार ड्रॉ करनी है। कार ड्रॉ करने के लिए आप किसी रेफरेंस का भी
इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कहीं से देख करके भी बना सकते हो कार, ठीक है, और उसके बारे में अच्छे से आपको लिखना भी है, ठीक है। तो अच्छे से इस पर सोच करके आप बनाए, 20 लाइंस आपको लिखना है इसके बारे में, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आगे के क्वेश्चंस हैं आपको मैथ से, टेबल लिखना है, टेबल आपको पता है कि कितना इम्पॉर्टेंट है याद रखना, तो टेबल लिखने के बाद याद भी कर लेंगे 14, 15 एंड 16 का। 14 का टेबल आपको जैसे आप लिख रहे हो ना टेबल, तो पूरा पूरा लिखोगे 14 इंटू 1 इक्वल्स 14, तो इस तरह का आपको लिखना है, और अलग अलग कलर्स में लिखेंगे। जैसे 14 को आपने रेड से लिख लिया फॉर एग्जांपल, तो 15 को आप क्या करोगे, ग्रीन से लिखोगे, 16 को आप पर्पल से लिख सकते हो। तो इस तरह से अलग अलग कलर से लिखना है ताकि वो सुंदर दिखाई दे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पांच बड़ी चीजें और पांच छोटी चीजें जो आपको हर दिन दिखाई देती हैं। बड़ी चीजें तो आपको सोचना है कोई चीज कितनी बड़ी हो सकती है, तो ऐसी चीजों का चुनाव करेंगे जो कि आप कंपेयर करो तो बड़ी लगे विथ स्मॉल थिंग्स, छोटी चीजों के साथ। अगर आपने छोटा बना दिया, लेट से कि एक बिल्डिंग को आपने छोटा मान लिया है, तो फिर बड़ा का मतलब क्या है? बड़े का मतलब आपको हमेशा बिल्डिंग से बड़ा ही सोचना होगा, सिर्फ उसी को आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ऐसा बड़ा सोच करके आपको देखना है कि कौन सी छोटी चीज़ है, संभाल करके आप पहले छोटी चीज़ें चुन लो, ठीक है। अगर पेंसिल लेते हो कि छोटी है, इरेजर लेते हो छोटी है, बड़ी क्या है, तो बड़ी आप ले सकते हो एक हाउस है, अलमीरा है, इस तरह की चीज़ है, ठीक है। तो आपको ऐसा लिस्ट करना है, ओके, पांच बड़ी चीज़ें, पांच छोटी चीज़ें, और उनको प्रॉपरली नेम करना है, ड्रॉ भी करना है और उसका नाम भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको थोड़ा सोच समझ करके ड्राइंग करनी है एक पॉन्ड की। उस पॉन्ड में आपको पांच मछलियां, तीन मेढक और बाकी के एनिमल्स दिखाने हैं। बाकी के एनिमल्स आप जितने चाहो दिखाओ, पर पांच मछलियां तो दिखनी ही चाहिए और तीन मेढक। सो लेट्स से कि आपने इस तरह से एक तालाब बना लिया, ठीक है, पिक्चर में आप इसको जितना सुंदर बना सकते हो उतना सुंदर बनाओ, और यहाँ पे जैसे हमने एक मछली को छलते हुए ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दूसरी मछली को भी बनाना है, तो आप पिक्चर ऐसी बनाना जिसमें कि आप साफ सुथरे तरीके से पांचों मछलियों को दिखा सको, और ऐसे ही आपको तीन मेढक भी दिखाने होंगे, ठीक है, तीन मेढक भी दिखाने होंगे, और उनके बारे में 10 लाइनें भी लिखनी है। इस तालाब में कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन से जानवर हैं, कौन कौन सी प्रकार की मछलियां हैं, ये सब आप लिख सकते हो 10 लाइनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको ड्रॉ करना है और कलर्स फिल करना है और साथ में इनका शेप भी बताना है, यानी तीन काम हो गए। तो 6 स्लाइस वाला पिज्जा आपको ड्रॉ करना होगा पहले, तो ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ अ पिज्जा। अगर आपने ऐसे पिज्जा ड्रॉ किया, अब आपको उसको कट कर लेना है 6 हिस्सों में, तो ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये तीन, ये चार, ये पांच और ये 6, तो 6 स्लाइसेस हो गए। अब आपको बताना है कि इसका शेप क्या होगा। सो पिज्जा का शेप तो ऑफ कोर्स सर्कुलर है, पर इसके स्लाइसेस का शेप कैसा है, ट्रायंगुलर है, आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर, तो आपको शेप लिखना है इसका, और अच्छे से पिज्जा को ड्रॉ करेंगे जितना सुंदर हो सकता है। यहाँ पे तो मैंने एक रफ फिगर बनाया है, 10 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, 3 पराठा, 5 समोसा, 7 किटकैट्स, तो आपको इसको ड्रॉ करना है अच्छी तरह से और बताना है शेप। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, आपको यहाँ थोड़ी कल्पना करनी होगी एक कमरे की जिसमें कि दो खिड़कियाँ हों, तीन चेयर हों और 6 खिलौने हों। अगेन कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि आपको तालाब में मछलियाँ ड्रॉ करनी थी और फ्रॉग्स ड्रॉ करने थे। तो इसमें आप एक घर बनाओगे, ठीक है, और घर के अंदर क्या करोगे, एक्चुअली आपको एक कमरा ड्रॉ करना है, तो लेट्स से कि ये एक कमरा है, ठीक है, आप सामने से देख रहे हो, तो कमरे में आपको दो विंडोज रखनी है। सो एक विंडो यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ये हो गई विंडो हमारी, एक विंडो हम सामने की ओर भी ड्रॉ कर सकते हैं,
दोनों विंडोज हो गए। ऐसे ही आपको तीन चेयर इसमें लगाने हैं, सो हमने यहाँ पे एक चेयर लगा दिया है, ठीक है। इस तरह से आप जितना सुंदर हो सकता है, ये एक रफ फिगर है, आपको जितना सुंदर हो सकता है आप पिक्चर बनाओगे। और छह खिलौने भी होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक टेडी बियर बना देते हैं जो बैठा हुआ है। तो इस तरह से आपको एक कमरे को ड्रॉ करना है। अब साइंस के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आपको फाइव सेंस ऑर्गन्स को ड्रॉ करना है। फाइव सेंस ऑर्गन्स यानी कि आईज, ठीक है, नोज, ये सब आप ड्रॉ करेंगे और इनके बारे में लिखेंगे। आईज से आप क्या करते हो, नोज से आप क्या करते हो, स्किन से क्या करते हो, तो ये सब आपको लिखना है ड्रॉ करके। कितना लिखना है तो आप 5 से 10 लाइन लिख सकते हो, ऐसा लगना चाहिए कि मेहनत की है। नेक्स्ट अगेन आपको ड्रॉ करना है। देखो जहाँ पे भी आपको ड्रॉ करने का लिखा गया है वहाँ ड्रॉ भी कर सकते हो, अगर आपको कहीं पिक्चर मिल जाती है तो आप वहाँ से कट करके पेस्ट कर सकते हो, दोनों ही सही है। ड्रॉ करेंगे, नाम लिखेंगे तीन नमकीन चीज़ों का, तीन मीठी चीज़ों का और तीन कड़वी चीज़ों का, ठीक है। कड़वी चीज़ें इसमें आप फूड भी रख सकते हो, ड्रिंक भी रख सकते हो, दोनों ही चीज़ें रख सकते हो। सो नमकीन, जैसे आप मान लो चिप्स ड्रॉ करते हो, ठीक है, चिप्स नमकीन होते हैं। स्वीट में आप कोई मिठाई ड्रॉ कर सकते हो, गुलाब जामुन, ठीक है। तो इस तरह से आपने तीन तीन बनाने हैं और उनका नाम लिखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको 8 प्रकार के लीव्स कलेक्ट करने हैं। अपने आसपास आप देखोगे 8 प्रकार के आपको लीव्स पक्का मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे मैंने एक लीफ यहाँ ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, तो ऐसे ही आपको 8 अलग अलग प्रकार की लीव्स लेनी है। एक ही लीफ को नहीं ले लेना है, एक ही प्लांट के लीफ को नहीं लेना है, और फिर उनका नाम भी लिखना है, ठीक है। सो आप पीपल का ले रहे हो, मैंगो का ले रहे हो, तो उनका नाम भी लिखोगे। एंड लास्ट अगेन, ये एक क्राफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें आपको एक फेस मास्क ड्रॉ करना है। फेस मास्क कैसा होता है, जैसे ये मैंने एक फेस मास्क यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। फेस मास्क में आपको आईज कट कर लेना है, ठीक है, और इसमें एक धागा ऐसे डाल देना है ताकि इसको आप सर पे पहन सको। इसमें जितना सुंदर हो सकता है उतना सुंदर आप डिज़ाइंस बनाओ, ठीक है, इसको अच्छे से सजाओ। मास्क बड़ा भी हो सकता है, सिर्फ आईज को कवर करने वाला छोटा सा भी हो सकता है। तो फर्स्ट आप अच्छे से ड्रॉ कर लो, उसके बाद उसको कट करो और कलर करके फिर पेस्ट करो। सो आई होप आपको ये सारी एक्टिविटीज़ करने में बहुत सारा मज़ा आएगा। आपको कोई भी एक्टिविटी करने में कहीं भी मुश्किल हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड माई बेस्ट विशेस फॉर योर समर हॉलीडेज। बाय बाय।